दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की टॉप अपडेट्स लेकर एक बार फिर से धमाकेदार वीडियो में मैं आपके सामने आ गया हूं, जहां आपको केकेआर के यूएई और होम ग्राउंड से लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट, साथ ही क्या परेशानी केकेआर में, ये सब डिटेल में बताऊंगा। सही में दोस्तों, बात करेंगे आज आईपीएल साल 2021 के सीजन की। तो यहां दोस्तों उम्मीदें काफ़ी ही फैंस को अब थोड़ी थोड़ी कम लग रही है कि इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट अब बचे हुए सीजन के अंदर नहीं मिलेगा। देखते हैं दोस्तों क्या रिस्पॉन्स रहता है बचे हुए फेज टू का। खैर, आज बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर की। टॉप अपडेट्स में आपको बताने वाला हूँ क्या फ़ायदा क्या इन अपडेट्स के चलते केकेआर को होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग काफी मजेदार वीडियो होगी। दोस्तों, अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल के लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम यहां पॉइंट्स टेबल पर नंबर 7 के ऊपर है, दोस्ती निभा रही है हैदराबाद के साथ। आपको बता दें कॉम्पिटिशन अब काफी हाई होने वाला है फेज टू में, तो यहां काफी हार्ड होगा केकेआर के लिए। खैर, आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना फेज टू में 7 में से कितने मुकाबले टीम केकेआर जीतेगा। टॉप अपडेट्स की अगर बात करें तो पहली अपडेट आ रही है केकेआर के होम ग्राउंड को लेकर। दोस्तों, आपको बता दें काफी सारे फैंस का ही सवाल होगा केकेआर यूएई कब जाएगा, केकेआर का प्रैक्टिस कैंप लगेगा तो कब लगेगा, प्रैक्टिस मैचेस होंगे तो वो कब लगेंगे। और एक और बड़ा सवाल जो सभी फैंस के मन में है वो ये है कि उनका होम ग्राउंड यहां पर क्या होने वाला है। आपको बता दें दोस्तों कि यहां वेन्यू तो 3 ही होने वाले हैं, जिनके अंदर ग्राउंड अब 4 हो सकते हैं। बीसीसीआई ने ऐसा हिंट दिया था, आबू धाबी, दुबई और शारजा। लास्ट ईयर आबू धाबी का जो शेख जायद स्टेडियम था वो था केकेआर का होम ग्राउंड, बट इस साल केकेआर के लिए जो अपील उन्होंने डाली है बीसीसीआई को, उसके अंदर वो होम ग्राउंड चेंज करने की है। और कौन सा होगा ये होम ग्राउंड? दोस्तों, ये होम ग्राउंड उन्होंने जो अपील डाली है वो है शारजा का। और दोस्तों, शारजा के छोटे मैदान पर केकेआर को क्या फायदा होने वाला है? फायदा एक ही है, आंद्रे रसल फॉर्म के अंदर है, तो रसल पावर, मसल पावर पूरी तरह से काम आ सकती है केकेआर के। खैर, आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना यूएई के अंदर केकेआर का होम ग्राउंड कौन सा होने वाला है। दूसरी अपडेट आ रही है केकेआर की बिग प्रॉब्लम को लेकर। दोस्तों, रिसेंटली एक स्टेट्स यहां पर बाहर निकले हैं जिसके अंदर कुछ एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है। और क्या है स्टेट्स और क्या है राय? दोस्तों, आपको बता दें उनके अकॉर्डिंग केकेआर आज तक अच्छा क्यों नहीं कर पाया। 2 ट्रॉफी जीत चुका है और इतने सारे आईपीएल सीजन हो चुके हैं, पर यहां पर 2 ट्रॉफी जीतने के बाद अब क्यों वो कमजोर हो रहा है, क्यों लड़खड़ा रहा है? दरअसल दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि साल 2008 से लेकर अभी तक जितने भी आईपीएल हुए हैं उसके अंदर केवल 1 ही 100 है। अब दोस्तों, यहां एक्सपर्ट की अगर बात करें तो मैं उनको साफ साफ एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर यही 100 वाली प्रॉब्लम है तो आरसीबी 2008 से खेल रहा है, उनके सबसे ज्यादा 100 उन्होंने बनाई है जो कि 14 है, तो वो एक भी ट्रॉफी क्यों नहीं जीता है? हाँ, ये बात है कि कोई भी बड़ा स्कोर करने में माहिर नहीं है केकेआर के अंदर, बट हाँ दोस्तों, कुछ और भी गलतियां हैं ही। आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना आपके अकॉर्डिंग केकेआर में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है। तीसरी अपडेट आ रही है रिप्लेसमेंट को लेकर। दोस्तों, अब ये न्यूज कुछ लोगों के लिए अच्छी हो सकती है तो कुछ लोगों के लिए काफी बुरी हो सकती है। ये जो न्यूज है ये है दिनेश कार्तिक से रिलेटेड। दिनेश कार्तिक फेज टू से बाहर हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज अभी ब्रेकिंग न्यूज बनकर आई है। शेल्डन जैक्सन जो विकेट कीपर बैट्समैन है उनको रिप्लेस कर सकते हैं। उनका डेब्यू वैसे तो हो ही चुका है, पर इस साल का डेब्यू उनका हो जाएगा केकेआर से। तो ये थी टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आपने है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।